वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है और माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है शेफ सारा। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम वालेकुम, कैसे हो? अच्छा शेफ सारा ना सिर्फ एक शेफ है माशाल्लाह, कुकिंग बेकिंग कॉन्टिनेंटल सब तरह के खाने बनाती है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन से भी कंडक्ट है। और अभी थोड़ी देर पहले ऑफकोर्स पूरा एक मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन का शायद सबका ग्रुप था और ये उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। ओह माई गॉड, तो ये एक मुझे अच्छा लगा कि बोथ, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एक डेजिग्नेशन पर हैं और कुकिंग भी कर रही हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज डिश का नाम क्या है? अच्छा, सॉरी, क्या बन रहा है ये बताइए। हमने जो है वो अगेन झटपट वाली रेसिपी रेडी करनी है। really? और ये हार्डली 10 मिनट्स के अंदर अंदर रेडी हो जाएगी। ओके okay. अच्छा, हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं ब्राउनी शॉर्ट्स। और लेट सपोज अगर हमारे घर कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो हमने जल्दी से जाना है किचन में और ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर रेडी करके सर्व कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले मेरे पास ये है, इसको नीचे रखो ताकि वो फोकस हो, आप ऐसे बताओ। हाँ यस, ये हमारे पास है ब्राउनीज जिसको मैंने मैश कर लिया है। और ब्राउनीज हमने जो है वो शॉर्ट्स में सेट करनी है फर्स्ट लेयर। देन मैंने क्रीम ऐड करनी है, सॉस ऐड करना है, कैरमल सॉस है, चॉकलेट सॉस है, रोस्टेड आलमंड है। आलमंड रोस्टेड के साथ आप इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फिर उसकी हमने डेकोरेशन करनी है। ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। शेफ सारा हमारे साथ मौजूद है और ये स्पेशल हमने जो है वो ये करना। ये पता है आपको, इसके अंदर ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शेफ्स जो है वो मैं बेकिंग से रिलेटेड हूँ और बहुत ज्यादा जो है वो हमारे घर में केक शेक ब्राउनीज का बड़ा लगा रहता है बनाना और खाना। तो मैं समझती हूँ जो शेक है वो क्या चीज है, केक शेक। अच्छा, हमारी आदत है खाना वाना खा ले रही है। खाना तो माना क्या चीज है। ओके लेट्स सी। अच्छा साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि शेफ सारा जो है ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल शेफ है। और बताएं भाई, ऑनलाइन अगर आप कोई ऑर्डर करता है तो कैसे आप उनको? बिल्कुल, एक्चुअली ब्रांड का नेम बताएं ताकि लोगों को पता चले। मेरा अपना ब्रांड है लिटिल ट्रीट्स बाय सारा के नाम से, जो कि इंस्टाग्राम पे आप विजिट कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, तो आप जल्दी से जाएं विजिट करें पहले पेज और फिर बताइएगा कि कैसे हैं मेरे केक्स और मेरी जो ऑनलाइन चीजें। अच्छा, सबसे पहले हमने इसके सब थोड़ी थोड़ी ब्राउनीज सब में डाल दी। ब्राउनीज हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमने क्या करना है, चॉकलेट सिरप है ये, मैं इस तरह से पाइपिंग करके लेकर आई। इसको हमने सोक करना है, ठीक है, ताकि ये जो अच्छा क्विकली झटपट है, आपको इजीएस्ट बना सकते हैं। ओके, ये सबसे पहले जो है वो चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया इसके अंदर। ओके, अच्छा सारा की मैंने एक चीज नोट की है, पहले भी मेरे साथ ये लाइव कुकिंग कर चुके हैं, ये प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बड़ा फोकस करती हैं यार, कि बनने का दिल करे क्या खा ले यार, वाकई में कुछ। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मैंने रोस्टेड ड्राई फ्रूट से रोस्टेड आलमंड और आप मिक्स कर सकते हैं, डिपेंड करता है ये बिल्कुल नट्स के मुताबिक, डिपेंड ऑन योर टेस्ट। और बिल्कुल ऐसे ही ये मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ओके, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और आप भी लाइव जो है, अगर आप बहुत अच्छी डिश बनाती हैं और आप चाहती हैं मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में ज्वाइन करना, तो नंबर है 03158248704। आप भी अपने खाने तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद मेरे पास है कैरमल सॉस। okay. और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, वैसे तो आप इसको होममेड बनाएं तो वो एक अलग ही अपना टेस्ट देता है, लेकिन अगर आपको नहीं बना सकते या कोई जल्दी है तो आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने कैरमल सॉस ऐड कर दिया और किस पे ऐड किया है, जो मैंने रोस्टेड नट्स डाले थे उसके ऊपर मैंने कैरमल सॉस ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है व्हिप क्रीम। ये मैं व्हिप करके लेकर आई हूँ टाइम शॉर्ट होने की वजह से। इसमें क्या है, आपने क्रीम को व्हिप किया और इसके अंदर टेस्ट डेवलप करने के लिए आपने हेजलनट चॉकलेट है या मेल्टेड चॉकलेट कोई भी इसके अंदर ऐड करके उसको व्हिप करके आपने पैकिंग कर देना है। और देन हमने इसको ग्लास में या शॉट्स में इस तरह से फिल कर देना है। ये भी टेट्स आपके टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। में भी बड़ा प्यारा लगेगा सारा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ग्लास फॉर्म में है ना,
तो ये बड़े प्यारे से लग रहे हैं। इसके ऊपर हम अगेन थोड़ा सा कैरेमल सॉस ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे भी हमने फोकस करना है। जब हमने सर्व करना है तो सिर्फ खाना ही नहीं होता, आपको प्रेजेंटेशन का भी जरूर ख्याल रखना पड़ता है। That's good. Okay. अब हमने दोबारा अगेन ब्राउनी हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम दोबारा कप में डालेंगे। ओके। ये हमने इसके ऊपर इस तरह से ऐड किया। ओके। एक बार फिर हम इसको यानी कि स्वीट हमेशा थोड़ी मिकदार में बिल्कुल चाहिए। ये इसके अंदर एक्चुअली के मत खाएं, बिल्कुल प्लीज। ऐसा ही है। और ये जो ब्राउनी है ना, इसके अंदर शुगर लेवल बहुत बहुत लाइट है। अच्छा। ताकि आपको बहुत ज्यादा मीठा ना इस तरह से लगे, नहीं खाया जाता मीठा होता ना वो, बिल्कुल ऐसा ही है, हैवी सा महसूस। अगेन हमने रोस्टेड नट्स इस पे ऐड कर दिए इसमें ताकि बैलेंस हो जाए आपका जो मीठा मीठा है। और इस तरह से गुड मॉर्निंग सभी की, एक साल की खुशी में सारा ने बनाए खूबसूरत ब्राउनी, झटपट ब्राउनी, बिल्कुल झटपट ब्राउनी शॉट्स। ओके गुड। आप देखिए इसके लुक कितनी अच्छी आ रही है। आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। अभी तो और बिल्कुल अभी फ्लावर्स वगैरह आपने बड़े प्यारे से जो है वो जैसे केक को आप प्रेजेंटेबल तरीके से मेंशन करते हैं। अब देखिए ऐसे लगे जैसे फ्लावर इन्होंने बनाए लेकिन वो क्रीम के थ्रू इन्होंने। ये हमने चॉकलेट ऐड कर दी ताकि इसकी अगेन प्रेजेंटेशन। अच्छा मैं एक देख रही हूँ ये स्पून, इफ यू डोंट माइंड। जी जी नाजिन आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर, मैं ये देखिए इन्होंने चॉकलेट की स्पून बनाई हुई है। बिल्कुल जबरदस्त। ये आप इसके अंदर, अरे वाह, यानी कि आप चॉकलेट को भी मजे से खा सकते हैं। और बच्चों के लिए, बच्चे जो है ना वो बड़ा पसंद करते हैं। आपको पता है मार्केट्स में इतनी एक्सपेंसिव चॉकलेट्स आ गई हैं, तो ये पर्सनली मैं तो रखती हूँ। और इस तरह से कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके बच्चों के लिए बड़ा एक मजे का हो जाता है और बड़े खुश होके जाते हैं वो। और इसी बहाने जो है ना वो हमें ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। That's good. Okay, next हमारे पास क्या है? इसको हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे? जी जी बिल्कुल। Okay, जी ये हो गया। That's good. Complete हो गया ये। ये हमारे झटपट within 10 minutes ये रेडी हो गई रेसिपी। Really, really, really जबरदस्त हो गया। अच्छा जी अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? बस ये हो गया। अच्छा ये कपकेक्स हैं, ये डिपेंड करता है अगर आपको कपकेक्स हैं तो ये बेसिकली ना मैं आपको बताऊं, ये मैंने कपकेक्स ही बनाए थे। अब मैंने क्या किया कि उसको मैंने एक रेसिपी से डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट भी कर दी। ये कपकेक्स हैं, इसको मैंने मैश किया, ब्राउनी शॉर्ट्स बनाए और आप इस पे भी पाइपिंग करके व्हिप क्रीम को, और इसको भी सर्व कर सकते हैं ऊपर से चॉकलेट ऐड कर दें। बहुत शुक्रिया। और सारा हमारे साथ ही होंगी क्योंकि हम लोग स्पेशली तमाम जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोगों ने जल्दी आना क्योंकि मैजिक होने वाला है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।